एसटीसी चारबाग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे लोकोमोटिव में प्रयोग किए जाने वाले सीसीबी यानी कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये ब्रेक सिस्टम लगाने की क्या ज़रूरत है या ब्रेक सिस्टम करता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोकोमोटिव हो या कोच हो या वैगन हो, सभी जगह हमारे व्हील्स जो हैं वो गति की अवस्था में रहते हैं। तो हमारे ब्रेक सिस्टम का काम है इन्हीं इनर्शिया के कारण जो गति की अवस्था में व्हील्स हैं इनको रोकना। तो इन व्हील्स को स्टॉप करने के लिए एक ब्रेक शू का इस्तेमाल किया गया होता है और ब्रेक शू का दूसरा सिरा एक ब्रेक सिलेंडर में होता है जिसके अंदर एक डायाफ्राम होता है और ये स्प्रिंग लोडेड होता है। तो यानी जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये व्हील है, ये हमारा ब्रेक शू है, ये डायाफ्राम ये बाहर का हिस्सा ब्रेक सिलेंडर कहलाता है। तो जब इस ब्रेक सिलेंडर में हम एयर को प्रेशर से भेजते हैं तो एयर के प्रेशर से भेजने पर यह डायाफ्राम आगे मूव करेगा और इसके द्वारा हमारे इस व्हील के डिस्क पर ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमारे लोकोमोटिव या ट्रेन में लोड की मात्रा अधिक है और हमारी ट्रेनेज लंबाई में अधिक होती है, तो इसलिए हमको एक इफेक्टिव ब्रेक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे पूरी रैक में कंप्लीट ट्रेन में काफ़ी इफेक्टिवली ब्रेक जो है वो लगाई जा सके। अगर ब्रेक इफेक्टिव नहीं होगी तो ये किसी बड़े हादसे का कारण हो सकती है। तो आज जिस सिस्टम के बारे में हमें देखना है वो WDG4 लोकोमोटिव में यूज किए जाने वाले कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम यानी CCB के बारे में देखना है। तो इस CCB सिस्टम के मुख्य इक्विपमेंट क्या है? तो CCB सिस्टम के मुख्य इक्विपमेंट जैसा कि हम देख रहे हैं ब्रेक वाल्व कंट्रोलर यानी BVC, न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट यानी PCU तथा कंप्यूटर रिले यूनिट CRU होते हैं। तो अब ये ब्रेक वाल्व कंट्रोलर क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्राइवर के केबिन में या ड्राइवर के कंट्रोल स्टैंड पे ब्रेक वाल्व्स या ब्रेक के लीवर लगे होते हैं, इन्हें ही ब्रेक वाल्व कंट्रोलर या BVC कहा जाता है। तो लोकोमोटिव में सिर्फ लोको में ब्रेक लगाने के लिए SA9 तथा कंप्लीट ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए A9 यानी इंडिपेंडेंट और ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट CCB का वो पार्ट है जो कि एयर प्रेशर को अलग अलग प्रेशर पर रिड्यूस कर या वेरी कर ब्रेक एप्लीकेशन के लिए आगे भेजता है और आगे भेजे गए सिग्नल का फीडबैक प्राप्त करता है। और नेक्स्ट है CRU यानी कंप्यूटर रिले यूनिट जो कि ब्रेन ऑफ CCB सिस्टम है, यानी CCB सिस्टम की सारी लॉजिक इसी कंप्यूटर में प्रोग्राम की रहती है। तो अब देखते हैं CCB सिस्टम का ओवरव्यू। तो CCB सिस्टम में जैसा कि हमने देखा BVC यानी ब्रेक वाल्व कंट्रोलर ये है,
ब्रेक वाल कंट्रोलर, जिसके द्वारा हमारा ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है। इसके बाद यहाँ से ये सिग्नल आगे FOR यानी फाइबर ऑप्टिक रिसीवर, यानी ये सिग्नल अब लाइट के फॉर्म में फाइबर ऑप्टिक रिसीवर के द्वारा कम्युनिकेट होता है और ये आगे पहुंचता है CPZ यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग कार्ड, यानी कि हमारे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इस तरह से ड्राइवर द्वारा भेजा हुआ सिग्नल BVC से फाइबर ऑप्टिक रिसीवर द्वारा होता हुआ CPZ में पहुंचता है और इसके बाद ये EP यानी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक असेंबली में पहुंचता है, जहां पर ये अलग अलग प्रेशर जो कि डिजायर्ड है उसके अनुसार ये आगे एयर प्रेशर को भेजता है। EPA में 3 मॉड्यूल होते हैं, EPA 1, 2 और 3, जो कि अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो EPA यदि कहीं पर हमें ब्रेक अप्लाई करना है तो इस जगह पर ये मैग्नेट वाल्व या सप्लाई वाल्व पे एयर प्रेशर भेजता है और इस प्रेशर से यहाँ पर ब्रेक अप्लाई हो जाती है। उसी प्रकार से यदि कहीं पर प्रेशर रिड्यूस किया जाना है तो यह एग्जास्ट वाल्व मैग्नेट वाल्व को एनर्जाइज करता है, तो जिससे कि यहाँ पर रुका हुआ प्रेशर रिलीज हो जाएगा, इस जगह प्रेशर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो सिर्फ प्रेशर अप्लाई या रिलीज करना ही नहीं बल्कि उसका फीडबैक सिस्टम में जाना भी अनिवार्य है। तो इस फीडबैक के लिए यहाँ पर ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स जो मैकेनिकल एनर्जी या किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगे हुए ट्रांसड्यूसर्स हमारे एयर प्रेशर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और यह सिग्नल एनालॉग रूप में होता है। तो ये एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर में जाने से पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है ADZ यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द्वारा। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमारे इस आने वाले फीडबैक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और ये सिग्नल अब हमारे CPZ यानी जो मेन कंप्यूटर है इसमें पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा एयर ब्रेक सिस्टम वर्क करता है, जिसमें कि ड्राइवर द्वारा BVC से सिग्नल जनरेट किया गया जो कि FOR से गुजरता हुआ CPZ में पहुंचा और बाद में EPA की अलग अलग यूनिट्स डिजायर्ड फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और मैग्नेट वाल्व द्वारा एयर प्रेशर सप्लाई करती है। ट्रांसड्यूसर द्वारा इन प्रेशर्स का फीडबैक लिया जाता है जो कि ADZ द्वारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर पुनः कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है। नेक्स्ट जो हम चित्र देख रहे हैं वो हमारा इक्विपमेंट व्यू है, यानी कि लोकोमोटिव में लगा हुआ CCV सिस्टम कैसे है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लो वोल्टेज सप्लाई है, लोकोमोटिव में 74 वोल्ट DC सप्लाई का यूज किया जाता है और यहाँ पर हमारी लगी है CRU यानी कंप्यूटर रिले यूनिट, यहाँ पर है PCU यानी न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारा कंप्यूटर रिले यूनिट 24 वोल्ट DC पर कार्य करता है। तो इस 74 वोल्ट DC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करने के लिए VCU यानी वोल्टेज कंडीशनिंग यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। तो वोल्टेज कंडीशनिंग यूनिट के द्वारा जो पावर है वो कंप्यूटर रिले यूनिट को पहुंच गई और ये जो न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट है जहां पे ट्रांसड्यूसर न्यूमेटिक वाल्व्स कंट्रोल्स ये सब लगे हुए हैं, ये वाल्व्स ये PCU जो है वो CRU के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी ये सिग्नल लेता भी है और सिग्नल वापस फीडबैक भेजता भी है।
यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं लोकोमोटिव में लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ कंट्रोल स्टैंड है, जहाँ पर ये ब्रेक वाल्व कंट्रोलर या लीवर्स दिए गए हैं। साथ ही ड्राइवर को प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए गेज पैनल लगा हुआ है और एयर फ्लो इंडिकेटर भी दिया गया है। तो जब ड्राइवर इस ब्रेक वाल्व कंट्रोलर का मूवमेंट करता है तो यहाँ से ये सिग्नल जनरेट होगा और सिग्नल ये जाता है कंप्यूटर रिले यूनिट यानी CRU में। कंप्यूटर रिले यूनिट आगे इस कमांड को न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट को भेजता है। न्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट में मेन रिजर्वायर यानी MR टैंक का प्रेशर कनेक्ट किया होता है। इस MR टैंक के प्रेशर को मैग्नेट वाल द्वारा यह PCU रिड्यूस कर ब्रेक सिलेंडर्स में भेजता है, जिससे कि लोकोमोटिव में ब्रेक लगती है। इसी प्रकार से रैक में ब्रेक एप्लीकेशन के लिए BP ब्रेक सिलेंडर इक्वलाइजिंग पाइप और MR इक्वलाइजिंग पाइप के प्रेशर को भी PCU द्वारा जनरेट किया जाता है। यहाँ पर एक मुख्य वाल्व KE वाल्व लगा है। KE वाल्व C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की भांति कार्य करता है, यानी अलग अलग प्रेशर पर एयर को उपलब्ध कराना। साथ ही यहाँ सिस्टम की वर्किंग के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर और कंट्रोल रिजर्वायर का प्रावधान किया गया है। अब हमारा ये कंप्यूटर रिले यूनिट यानी CRU लोकोमोटिव के मुख्य कंप्यूटर यानी EM2000 से भी लिंक रहता है, यानी इससे ये कम्युनिकेट करता है। तो अगर हमारा EMD लोकोमोटिव है तो EMD लोकोमोटिव में लगा हुआ कंप्यूटर EM2000 के नाम से, मेधा के लोकोमोटिव में लगा हुआ कंप्यूटर LCC यानी लोड कंट्रोल कंप्यूटर, और सीमेंस वाले लोकोमोटिव में इसे CBAS के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे लोकोमोटिव के मेन कंप्यूटर इस एयर ब्रेक के कंप्यूटर यानी CRU से कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही यह कंप्यूटर के साथ एक डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इस डिस्प्ले पैनल पर एयर ब्रेक सिस्टम से संबंधित कोई फॉल्ट और उसके रीसेट का प्रोसीजर यहां से इनेबल किया जा सकता है। यह लोकोमोटिव का कंप्यूटर हमारी इस एयर ब्रेक सिस्टम के लिए विजिलेंस, डायग्नोसिस, सेल्फ टेस्ट, स्पीड इनपुट, पेनल्टी ब्रेक, डायनेमिक और ब्लेंडेड ब्रेकिंग इत्यादि फंक्शंस को परफॉर्म्स करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ड्राइवर द्वारा कंट्रोल स्टैंड यानी कि ब्रेक वाल्व कंट्रोलर से ब्रेक अप्लाई करने के बाद यह किस प्रकार से नीचे ब्रेक सिलेंडर या ब्रेक पाइप तक पहुंचता है। थैंक यू।